हाय विनर्स, आई होप यू ऑल आर वेल। दिस साइड राजीव आनंद। दोस्तों, इंस्टाग्राम पर लास्ट वीडियो मैंने शेयर की है और इसी बारे में बताया है कि व्हाट एग्जैक्टली द रॉ फाइल इज और रॉ फाइल को कैसे यूज किया जाता है, रॉ फाइल बेसिकली होती क्या है और रॉ फाइल के क्या नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं कि जब भी हम लोग किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी वीडियो अपलोड करते हैं या अपनी इमेज अपलोड करते हैं या कोई भी कंटेंट एज अ रिटन फॉर्मेट हम लोग शेयर करते हैं तो हम लोगों को रॉ फाइल का कंसेप्ट कैसे यूज करना चाहिए। अगर आप लोग मेरी ये वीडियो मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो आप भी जानते होंगे, जब भी आप लोग YouTube पर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आप लोग वीडियो के टाइटल के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। वीडियो के टाइटल को आप लोग अप टू 100 करेक्टर्स तक सेटअप करते हैं और फाइनली अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं, फिर उसके अंदर टैग्स शेयर करते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन शेयर करते हैं, फाइनली लोकेशन शेयर करते हैं, वीडियो की जो रिलीज डेट या पब्लिश डेट है वो मेंशन करते हैं। ये सारी काम आप लोग YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड करते टाइम पर करते हैं। लेकिन क्या आप लोग रॉ फाइल के ऊपर ध्यान देते हैं? क्या आप लोगों को एग्जैक्टली ये पता है कि ओरिजिनल फाइल नेम होता क्या एग्जैक्टली, कि यूट्यूब एल्गोरिथम आपकी वीडियो को कैसे कैच करेगा कि आपकी जो वीडियो में आप जो टिप शेयर कर रहे हैं, जिस टाइप की आपकी वीडियो आपने बोली है, आपकी कोई म्यूजिकल वीडियो है, आपकी कोई कॉमेडी वीडियो है, तो उस वीडियो का रॉ फाइल नेम से पता लगता है कि आपकी वीडियो एग्जैक्टली किस टॉपिक के बारे में है और उस रॉ फाइल पर हम लोग ज्यादातर ध्यान देते नहीं है। रॉ फाइल नेम एग्जैक्टली एक ओरिजिनल फाइल नेम होता है। जैसे कि आप लोगों ने कोई एक वीडियो बनाई, जैसे कि मैम मैं आप लोगों को अब ये वीडियो बनाकर दे रहा हूँ और इस वीडियो में मैं रॉ फाइल के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं वीडियो फाइनली यूट्यूब पर अपलोड करूंगा तो ऐसा नहीं है कि मैंने इस वीडियो को फाइनली अपने मोबाइल पर क्रिएट किया और जाकर वीडियो अपलोड कर दी और उसका वीडियो का टाइटल सेट कर दिया। इससे क्या हुआ, मैंने वीडियो का टाइटल तो डाल दिया लेकिन मैंने यूट्यूब को ये नहीं बताया कि मेरी जो फाइल है, जो मेरी वीडियो फाइल है, उसका नाम एग्जैक्टली क्या है। उसका नाम ही उसका रॉ फाइल नेम होता है। एक रॉ फाइल नेम को आप लोग एग्जैक्टली 50 करेक्टर्स तक अपलोड कर सकते हो एक रॉ फाइल के साथ। यानी कि जब भी आप लोग कोई वीडियो अपलोड करें तो वीडियो को अपलोड करने से पहले उसका उसका जो नेम है उसको रिनेम करके जिस टॉपिक के ऊपर एग्जैक्टली आपने वीडियो बनाई है उस टॉपिक के बारे में आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर मान लो रॉ फाइल का नेम अप टू 100 करेक्टर्स तक सेट कर देते हैं और वीडियो का टाइटल यूट्यूब में भी आप लोगों ने 100 करेक्टर्स का डाला, आप लोगों ने रॉ फाइल का जो नेम है वो भी अप टू 100 करेक्टर्स का किया। अब इस ऐसे में होता क्या है कि जब यूट्यूब की एल्गोरिथम आपकी वीडियो को देखेगी तो वो रॉ फाइल नेम से पहले 50 करेक्टर्स को ही कैच करेगी। उसके बाद आप लोग यूट्यूब की वीडियो टाइटल के अंदर जाकर, जैसे हम लोग कॉलन लगाकर दूसरा टाइटल डाल देते हैं, फिर कॉलन लगाकर तीसरा टाइटल डाल देते हैं, तो उससे हम लोगों को ये बेनिफिट होता है कि हमारा जो ओरिजिनल फाइल नेम है वो यूट्यूब की एल्गोरिथम के अंदर चला गया। उसके बाद हम लोगों ने उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा टाइटल अपलोड करना है, यानी कि फर्स्ट 50 करेक्टर्स जो आप लोगों ने अपनी वीडियो के टाइटल में डाले हैं, वीडियो के ओरिजिनल फाइल नेम में डाले हैं, जिसको मैं रॉ फाइल नेम बार बार बोल रहा हूँ, उसके बाद जो बाकी नेक्स्ट 50 करेक्टर्स हैं वो आपकी मर्जी है, आप यूट्यूब पर अपलोड करते टाइम कैसे भी सेटअप कर सकते हैं। सेम काम आप लोग इंस्टाग्राम पर जब भी वीडियो अपलोड करें तब कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कई लोगों के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं होता तो उनको लगता है कि हम लोगों ने मोबाइल से वीडियो बना ली, लेकिन मोबाइल से वीडियो बनाने के बाद कैसे रॉ फाइल का नाम चेंज करेंगे। तो मोबाइल पर भी जब भी आप लोग अपने कैमरा को यूज करके वीडियो बनाते हैं तो वीडियो के अंदर भी एडिट सेक्शन में जाएं और एडिट सेक्शन में उसका फाइल नेम जरूर देखें। उसका फाइल नेम आपको कुछ 1102120 समथिंग .mp4 एक्सटेंशन होगा ये मिलेगा, लेकिन आपका तो फाइल नेम है ही नहीं। आप लोगों ने तो बेसिकली ये फाइल नेम शेयर किया है कि व्हाट एग्जैक्टली द रॉ फाइल नेम, YouTube पर ग्रो कैसे करें, Instagram पर ग्रो कैसे करें, Facebook पर ग्रो कैसे करें, आपका टाइटल तो इस बारे में है, आप लोग रॉ फाइल नेम उस तरीके से डाल नहीं रहे। तो जितने भी यूजर्स मोबाइल यूज करके अपनी वीडियोस बनाते हैं वो भी जब फाइनली अपना कैमरा यूज करके उनकी फाइनली वीडियो कंप्लीट हो जाए तो एक बार वीडियो के एडिट सेक्शन में जरूर जाएं, वीडियो की डिटेल सेक्शन में जरूर जाएं और वहां जाकर एडिट सेक्शन में जाकर अपनी वीडियो का रॉ फाइल नेम जरूर चेंज करें और चेंज करने के बाद ही फाइनली किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे आपको Instagram पर अपलोड करना है, चाहे आप लोगों को Facebook पे अपलोड करना है, चाहे आप लोगों को YouTube पे अपलोड करना है, Twitter पे अपलोड करना है, रॉ फाइल नेम कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पहले 50 करेक्टर आपकी वीडियो के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रो करने के लिए। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, रेकमेंड करूंगा कि आप लोग रॉ फाइल का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें और अपनी वीडियो को इसी रॉ फाइल के कंसेप्ट को यूज करके फाइनली अपलोड करें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।